हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रानी। आज हम बना रहे हैं भरमा बेसन मिर्च। तो चलिए मसाला तैयार करते हैं। फ्रेंड, हमने एक पैन रख दिया है, हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम डालेंगे थोड़ी सौंफ। अब डालेंगे हम लहसुन, थोड़ा से पकाएंगे। अब डाल देंगे हरी मिर्च, प्याज भी डाल देंगे। प्याज में डाल देंगे थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा चलाएंगे इसे अच्छे से जब तक प्याज भूरे नहीं हो जाते। इसमें थोड़ी हींग डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर मिला देंगे। थोड़ा मैंने चाट मसाला भी लिया है, चाट मसाला डाल दूंगी और मिला देंगे। अब हम इसमें एक कटोरी बेसन डाल देंगे और अच्छे से इसे पका देंगे बेसन को। फ्रेंड, ये थोड़ा हमें सूखा लग रहा था, हम इसमें थोड़ा सा पानी छीटेंगे। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे गैस बंद करके। हमने मसाले को ठंडे होने के लिए एक प्लेट में रख दिया है। हमारा मसाला ठंडा होता है जब तक हम मिर्ची में कट लगा लेंगे। हम मिर्ची में एक तरफ से इसे कट लगा लेंगे। सब मिर्चियों में इसी तरह से कट लगाना है। इस तरीके से सभी मिर्चियों को हम भर लेंगे। मसाले अच्छे से भरना इसे। हमने सभी मिर्चियों में मसाला भर दिया है, अब हम इन्हें तलेंगे। हम उसी पैन में फ्राई करेंगे मिर्चियां जिसमें हमने मसाला पकाया था। हमने थोड़ा तेल डाला इसमें, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके इन मिर्चियों को इसमें रख देंगे। हमारी मिर्ची अच्छे से पक गई है फ्रेंड्स, अब हम इन्हें निकाल देंगे। हमारी भरवा मिर्ची बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड, काफी अच्छे से बनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।